हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और ये है मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक 10th क्लास की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें एक नया टॉपिक जो कि हमारा एक्सक्रीशन यानी लाइफ प्रोसेसेस के अंडर में जो आ रहा है एक्सक्रीशन, उसको हम यहां पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रीशन में हम पढ़ते हैं किस किस तरह से एक्सक्रीशन होगा, क्या क्या मतलब होता है एक्सक्रीशन का, किस किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है। ह्यूमन बीइंग का हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें उन्होंने ह्यूमन बीइंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। और लास्ट में एक टॉपिक है हमारा छोटा सा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का, उसको भी हम थोड़ा सा करके डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। पहले आप आराम से एक चीज़ समझ लीजिए कि हम जब कुछ खाते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या फिर हम फैट खाते हैं या फिर हम प्रोटीन खाते हैं, तो हमारी जो प्रोटीन होती है जब हम डाइजेशन के लिए जो खाते हैं प्रोटीन, उसका डाइजेशन होता है, उसके डाइजेशन के बाद जो उसकी सबसे माइनर जो प्रोडक्ट होती है उसको कहते हैं अमीनो एसिड। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो प्रोटीनें होती हैं वो अमीनो एसिड की बनी होती हैं, ये मेन बात है। तो अमीनो एसिड की बनी होती है तो उनमें एक खास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अमीनो ग्रुप यानी NH2। तो आपका जब अमीनो एसिड का डाइजेशन, जब आपकी प्रोटीनों का डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद आपकी जो प्रोटीनें होती हैं वो टूट करके अमीनो एसिड बनाती हैं। फिर वो आपके बनाए गए जो अमीनो एसिड हैं वो आपके जो ब्लड है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद वो आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये होता है कि जो फालतू के जो बचे हुए जो और एक्स्ट्रा जो अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें टूटना होता है, जिनका ब्रेकडाउन होना होता है, वो ब्रेकडाउन के लिए लीवर के पास आते हैं। लीवर में क्या होता है, उनका डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन यानी कि सीधा मतलब है कि जो आपका जो अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड के अंदर जो अमीनो ग्रुप है जो NH2 है उसको हटाया जाता है लीवर के अंदर। वहाँ पर उसको हटा करके करते क्या है, देखिए अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे, अगर आप वो अमीनो ग्रुप को छोड़ देंगे ऐसे ही, तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया जो है वो बहुत ही टॉक्सिक गैस है। NH3 जो होती है वो टॉक्सिक गैस होती है। तो हमारी बॉडी में हमारा लीवर क्या करता है, उस NH3 को उसको कन्वर्ट करके यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो जो आपकी प्रोटीनों के डाइजेशन से बने हुए एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होते हैं उन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन यानी कि उसका जो अमीनो ग्रुप है उसको हटना होता है, उसके लिए वो लीवर के पास जाता है। लीवर की सेल्स उसका डीएमिनेशन करती हैं, उसके हटने के बाद आपका जो अमीनो ग्रुप होता है वो हट जाता है। फाइनली अगर अमीनो ग्रुप हट जाता है तो अमोनिया बनाएगा। अब आपकी जो अमोनिया होगी वो टॉक्सिक होगी, तो इसलिए उसको लीस्ट टॉक्सिक करने के लिए लीवर की जो सेल्स होती हैं वो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, यूरिया बनने के बाद क्या होता है, आपका जो यूरिया है वो ब्लड में आएगा। फाइनली अब आपका ब्लड उसको कहाँ लेकर आएगा, आपकी किडनी के पास लेकर आएगा। और आपकी किडनी का काम है कि उस यूरिया को जो कि आपकी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है उसको बाहर निकाल देना होता है बॉडी से। यानी सीधा मतलब है कि जो वेस्ट को बाहर निकालना, उसमें भी एक खास चीज़ जुड़ जाती है, नाइट्रोजिनस वेस्टेज। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट जो होता है उसको बाहर निकालते हैं तो वह एक्सक्रीशन कहा जाता है, नॉर्मली आपको समझाने के लिए। अब आप इसमें ये कहोगे कि भाई कुछ चीज़ें जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ते हैं तो वो भी वेस्ट हुआ। जैसे कि आपका जो लीवर होता है वो क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, उसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वो भी वेस्ट होता है। तो कुछ इस तरह के और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो भी सब एक्सक्रीशन ही कहा जाता है। ठीक है, अब वेस्ट को आउट करना यानी एक्सक्रीशन करना, तो अलग अलग तरह का एक्सक्रीशन होता है, मतलब अलग अलग। जैसे CO2 को आपके लंग्स बाहर निकालते हैं, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो आपके गॉल ब्लैडर में आते हैं, गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में आते हैं, फिर वो आपके फीकस के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरह जो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्टेज होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है आपकी किडनी के द्वारा। लेकिन अगर जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप बात करोगे अमीबा या फिर उससे ऊपर सीलेंट्रेटा या फिर उससे आगे प्लेटीएलमेंथीज, है ना, उन सब में अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो सब में अलग अलग ऑर्गन्स मिलते हैं, लेकिन फाइनली जो हम होते हैं, हम मतलब एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है कोर्डेटा है, उनमें आकर के क्या मिलते हैं, किडनीज मिलती हैं। और उन किडनी का काम होता है कि हमारे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ पैसिव बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव्स एक्सेस अननेसेसरी और टॉक्सिक material from an organism so as to help maintain homeostasis within the organism and prevent damage to the body. देखिए जो word है homeostasis, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी body है, आपका जो blood है, आपके blood के अंदर क्या बात होती है कि उसकी हमेशा से एक जो उसका जो वातावरण है, जो उसका environment है blood का, वो हमेशा समान रहता है।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपके ब्लड में कुछ चीज़ों की कंसंट्रेशन ज़्यादा, कुछ चीज़ों की कंसंट्रेशन कम, या आपकी बॉडी भी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ज़्यादा इसको सहन नहीं कर पाती है, ज़्यादा पीएच होना कि कम पीएच हो जाना, कुछ सोल्ट बढ़ जाना, कुछ सोल्ट कम हो जाना, पानी का ज़्यादा हो जाना, पानी कम हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जितना भी है इसको बॉडी क्या करती है, समान बनाए रखती है। तो वो समान बनाए रखना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। आपकी किडनी का खास काम है कि जब आपकी किडनी वेस्ट को बाहर निकाल देती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो किडनी है वो आपकी बॉडी में होम्योस्टोसिस मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है ना। बात नेक्स्ट है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एज वेल एज अदर लिक्विड एंड गैसेस वेस्टेज। तो गैसेस वेस्ट यानी CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको बाहर निकालना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो हमको बता दिया आपको, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग होता है, जिसमें अमोनिया होता है, कुछ में यूरिक एसिड बनता है, बर्ड्स में जैसे यूरिक एसिड बनेगा, और जैसे कि हमारे अंदर क्या बनता है, यूरिया बनता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं ना, बाइल पिगमेंट्स हो सकते हैं। बाइल पिगमेंट आपको पता है कि कहाँ से बनते हैं, जब आपकी RBC जो होती हैं, जब आपकी RBC जो होती है वो जाकर के टूटती हैं, है ना, आपकी RBC जाकर के टूटती हैं कहाँ पर, स्प्लीन में, और वहाँ पर टूटने के बाद उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो टूट जाता है, जिससे क्या बनते हैं, बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, और बाइल पिगमेंट आपके बाइल जूस में आ जाते हैं, फिर वो बॉडी से इंटेस्टाइन से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट यानी कि CO2 की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा वो हमने पीछे पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में NCERT ने जरा जरा सा बताया है, तो हम भी उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जैसे अमीबा जो होते हैं, उन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, सर द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन, यानी उनके अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उनके अंदर की, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है अमीबा के अंदर, जो वो ये वैक्यूल बना के रखती है, ये क्या करती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को अपने अंदर स्टोर करती है, बाहर निकालती है, वो इसका काम होता है। नेक्स्ट है इन स्पॉन्जेस एंड निडेरिया वेस्ट डिफ्यूज आउट थ्रू द ओस्कुलम एंड द ओरल ओपनिंग ऑफ द ओरल ओपनिंग रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यार, यहाँ लिखा हुआ है कि ओस्कुलम एंड ओरल ओपनिंग, तो ये जो होते हैं आपके स्पॉन्जेस और जो निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्ज में एक तरफ से पानी आता है, ओस्टिया उन पोर्स को कहते हैं, उन पोर से पानी आता है, मतलब उनकी बॉडी कैविटी 9th क्लास में आपने देखी होगी ऐसी होती है, इसमें क्या होता है, इधर से पोर होते हैं, साइड के जो पोर होते हैं उनको ओस्टिया कहते हैं, ओस्टिया से आराम से पानी अंदर आता है, और पानी के साथ ही वो वेस्ट भी क्या होता है, ऊपर निकल जाता है। ऐसे ही जो आपके निडेरिया होते हैं, इनकी बॉडी में एक ही पोर होता है, जिसमें उसमें उसी पोर से कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं, उसी पोर से वो चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, तो ये ओरल ओपनिंग से वेस्ट बाहर निकाल देते हैं पानी के साथ में, ठीक है। जो नेक्स्ट होते हैं फ्लैट वर्म्स यानी प्लेटीहेलमिंथीज, उनमें स्पेशल जो यूनिट होती है उसको कहते हैं फ्लेम सेल्स, वहाँ पर फ्लेम सेल्स का काम है क्या करने का, एक्सक्रीशन करने का। इन अर्थवर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट नेफ्रीडिया, तो यहाँ क्या हुआ कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनी जिसको कह रहे हैं नेफ्रीडिया। इन फ्यूचर में आकर के एडवांस ऑर्गेनिज्म होते होते ये नेफ्रीडिया ही नेफ्रोन बनेंगे, और नेफ्रोन जो होता है आपकी किडनी की एक यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रोन है। तो फाइनली जो शुरुआत में हुआ था अर्थवर्म वगैरह में, यहाँ नेफ्रीडिया बन चुके थे, मतलब नेफ्रीडिया मतलब एक ट्यूब लाइक था जिसमें से क्या होता है, जिसमें आपका जिससे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो यही नेफ्रीडिया इन फ्यूचर में जाकर के नेफ्रोन में कन्वर्ट हुए हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स द माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स नेफ्रोन पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीशन, तो हमारे में हम इसको आगे डिस्कस करके पढ़ने वाले हैं अच्छे से कि भाई नेफ्रोन किस तरह जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम आप पढ़ लें एक बार, क्या लिखा है कि किडनी फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म यूरिन विच इज एक्सेस वाटर सॉल्ट यूरिया एंड यूरिक एसिड, यानी कि जो किडनी होती है वो आपके एक्सेस वाटर को, कुछ सॉल्ट्स को, यूरिया को और यूरिक एसिड को बाहर निकाल देती है। तो ये आप कुछ देख सकते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लीवर और स्किन। तो लंग्स आपके, आपको पता है CO2 को रिमूव करने के काम आते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। लीवर आपका क्या करता है, प्रोड्यूसेस यूरिया एंड यूरिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। तो ये मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ अभी पीछे कि प्रोटीनों के टूटने से अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड जो एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड का डी एमिनेशन होता है। डी एमिनेशन मीन्स टू से दैट रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप, और अमीनो ग्रुप हटेगा यार तो अमोनिया बनेगी, अमोनिया बनेगी तो फिर यार वो अमोनिया टॉक्सिक होती है, उसको आपका लीवर यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादा पानी पियोगे तो अच्छा रहेगा, यूरिया बनेगा बॉडी में, यूरिया बॉडी से पानी के साथ घुल करके बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है स्किन, स्किन आपकी क्या करती है, कुछ आपने देखा होगा आपकी स्किन कई बार सोल्टी होती है, तो वहाँ एक्सेस वाटर और सोल्ट और कुछ सम अमाउंट ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड भी आपकी स्किन से निकलता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 3 इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है,
एक खास बात होती है, हमारे अंदर यूरिनो जेनाइटल सिस्टम होता है, यानी जेनाइटल और यूरिनरी सिस्टम एक ही होता है। मतलब उसमें आकर के क्या होता है, हमारे अंदर यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट होती है, जो कि यूरिथ्रा और जेनाइटल ट्रैक्ट एक ही होती है मेल के अंदर, ठीक है। फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट अलग होती है और यूरिनल अलग होती है। तो यहाँ देखते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। इसमें आप डायग्राम में एक बार ध्यान से देख लीजिए, देखिए ऐसा है, दो किडनी है, आप देख रहे होंगे कि भाई एक किडनी स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर है एक दूसरे वाली किडनी से। यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो किडनी है इसके अंदर एक ब्लू कलर की वेन जा रही है, बड़ी सी वेन है जिसको कह रहे हैं रीनल वेन। यहाँ आप देख रहे हैं कि रेड कलर की आर्टरीज है जिनको कह रहे हैं रीनल आर्टरी। यानी यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, किडनी को जाने वाली आर्टरी को कहते हैं रीनल आर्टरी और किडनी को जाने वाली वेन को कहते हैं रीनल वेन। और आप देख रहे हैं आपकी किडनी के अंदर से कुछ क्या निकल के आ रहा है, एक लंबा पाइप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं यूरेटर। दोनों किडनी से दोनों यूरेटर निकलते हैं और आकर के मिलते हैं ब्लैडर के अंदर। यहाँ एक ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें आपका यूरिन भर जाता है। फाइनली क्या होता है, जब यूरिन इसमें ज़्यादा भर जाता है तो इसकी जो दीवारें होती हैं उनके अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं ब्रेन को सूचना देते हैं और मिक्टुरेशन हो जाता है, मिक्टुरेशन यानी यूरिनेशन। तो ये आप यहाँ समझ गए होंगे। कई बार आपका जो बोर्ड है वो क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस डायग्राम को देते हैं और पूछते हैं कि इनके नाम लिखिए, ये सीधा सीधा सवाल होता है। इस बार भी शायद ये बोर्ड के एग्जाम्स में आया था, बहुत बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखते हैं कि भाई किडनी के क्या 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 काम होते हैं, किडनी कैसी होती है। तो लिखा है कि दीज आर टू बीन शेप पर्पलिश ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यानी आपकी जो किडनी होती है पीछे की तरफ होती है। एंड इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू विच द नाइट्रोजीनस वेस्ट यानी यूरिया और यूरिक एसिड आर एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग अबाउट 6 सेंटीमीटर थिक एंड वेट अबाउट 150 ग्राम। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा वेट कितना है, तो कम बस इतना ही पूछा जाएगा कि इनका काम क्या होता है। तो आप एक लाइन में बोल दें कि भाई नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालने का इनका काम होता है, एक्सक्रीट आउट करने का। नेक्स्ट है, किडनी कंटेन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स विच आर फिल्टर 172-200 लीटर ब्लड टू प्रोड्यूस 1-1.8 लीटर ऑफ यूरिन डेली। तो आपकी किडनी में होता ये है कि ब्लड जो है बार बार किडनी में आता है, बार बार फिल्टर होता रहता है। फिल्ट्रेट यानी अगर हम पूरे दिन का फिल्ट्रेट काउंट करें कि कितना छन चुका है, तो जो टोटल छना हुआ ब्लड होता है उसका जो पूरे दिन का अगर काउंट करेंगे तो वो लगभग कितना बैठेगा, 200 लीटर तक बैठ जाता है। फिर आपका जो यूरिन बनता है उसमें से वो 1.8 लीटर तक बनता है, हार्डली 2 लीटर बन सकता है। तो वो क्या होता है कि बाकी का जो छना हुआ होता है इसका मतलब वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखो मतलब एक बार फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद क्या होगा, मान लो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा फिल्टर होकर यूरिन बन के बाहर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो होगा ये कि फिल्टर होगा, फिल्ट्रेशन पहला स्टेप होगा, फिल्ट्रेशन के बाद उसमें से जो काम की चीज़ें छन जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भाई काम की चीज़ें नहीं छनेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ ऐसी छननी लगी हुई है कि भाई छान देगी देख के बिल्कुल कि यूरिया है, यूरिया को ही छान दो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर बिल्डअप होता है, अभी आगे हम समझेंगे कैसे फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन के बाद ये होगा कि भाई फिल्टर आउट होगा, फिल्ट्रेशन के बाद वो जो छना हुआ होगा उसमें से जो काम की चीज़ें होंगी वो सारी की सारी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। यानी आपका जो 200 लीटर छना था, 180 लीटर छनता है, उसमें से लगभग 1.8 लीटर तक ही आपका यूरिन बनता है, बाकी सारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब यूरिन प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन वाला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, क्योंकि भाई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है ना बॉडी से, क्योंकि बॉडी क्या करती है अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रखती है। उसको ऐसा भी नहीं करना है कि सारा पानी बाहर निकाल देना है, लेकिन उसको ऐसा जरूर करना है कि पानी के साथ यूरिया घोल के बाहर निकाल देना है। तो चलिए एक बार देखते हैं आगे। नेक्स्ट है रीनल आर्टरीज, ये आपको बता चुके हैं, जो कि ब्लड को लेकर कहाँ आती हैं, किडनी में आती हैं। टू रीनल आर्टरी कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ईच ऑफ द किडनी। रीनल वेन जो आपके ब्लड को यहाँ से लेकर जाएंगी। टू रीनल वेन रिटर्न यूजफुल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर फिल्टरिंग द अनवांटेड मटेरियल इन द किडनी। जब आपकी किडनी में अनवांटेड चीज़ें छन जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी, तो उसके बाद जो बचा हुआ सामान होगा भाई उसको लेकर के आपकी रीनल वेन वापस से ब्लड में चली जाएगी। नेक्स्ट है यूरेटर्स दैट विल कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ लिखा है कि टू ट्यूब्स विच अराइज फ्रॉम ईच किडनी एंड कैरी यूरिन टू द ब्लैडर। तो यहाँ दो ट्यूब होती हैं अलग अलग किडनी से, दोनों तरफ से आई होती हैं, कहाँ खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। ब्लैडर का काम है कि वो यूरिन को अपने अंदर भर के रखता है, फाइनली क्या होता है रिलीज करके बाहर निकाल दिया जाता है यूरिथ्रा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल आर्टरीज, दिस इज मस्कुलर सैक लाइक, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा एडिंग, यहाँ पर आपको डालना है कि यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर यूरिन इज स्टोर्ड टिल इट इज थ्रोन आउट। जब तक वो बाहर निकल जाए यूरिनरी ब्लैडर में ही भरा रहेगा। नेक्स्ट आपका यूरिथ्रा,
एंड दिस इज अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। लेकिन मेल में खास बात है कि मेल में यूरिथ्रा जो होती है भाई वो यूरिन के साथ साथ स्पर्म को भी कैरी करती है, तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर है भाई, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। तो जो आपकी किडनी होती है, पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी जो किडनी होती है उसके अंदर कुछ बड़ी बड़ी पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको अपन कहते हैं रीनल पिरामिड। और आपके रीनल पिरामिड जो होते हैं उनके अंदर आपके बहुत बहुत सारे नेफ्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन तक आपकी किडनी नेफ्रॉन रखती है, 1 मिलियन तक। तो उसमें यार एक खास बात है कि किडनी का जो फिल्टर करने का जो काम है वो किसके द्वारा संपन्न होता है, वो आपके नेफ्रॉन के द्वारा ही पूरा होता है। मतलब नेफ्रॉन ही फाइनली क्या करते हैं, किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और वो कहाँ होते हैं, किडनी के अंदर कुछ क्या पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको कहते हैं रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के अंदर आपके कौन रहते हैं, नेफ्रॉन्स रहते हैं। तो इनका नेफ्रॉन का काम है कि भाई ये फिल्टर करने वाली यूनिट होती है। तो एक बार आप ध्यान से यहाँ समझ लीजिए मेरे साथ। देखिए ऐसा है कि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो आपको दिख रहा होगा एक कप जैसा येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये, इसको कहते हैं बाउमेन कैप्सूल, है ना। एंड बाउमेन कैप्सूल के नीचे ट्यूब जा रही है ये, यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर जा करके कैसी हो जाती है, थोड़ी कॉइल्ड हो जाती है, घूमी हुई आपको दिख रही होगी। इस कॉइल्ड ट्यूब को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद वो थोड़ा सीधा हो जाएगा और ये लंबा हो जाएगा पहले, फिर पतला होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से घूम करके यू शेप जैसे स्ट्रक्चर बना लेगा। तो यार ये जो यू शेप जैसे स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। एंड दिस वन ये नीचे जो आ रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये जो ऊपर जाने वाला इसका पार्ट है इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है भाई आगे जाकर के एक कॉइल ट्यूब्यूल से फिर जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाकर एक बड़ी डक्ट में खुलती है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में और बहुत सारे ऐसे ही नेफ्रॉन से आकर के डीसीटी खुलता है। तो आप मेन चीज आप देख रहे हैं क्या क्या पार्ट हुए। पहला हमारा हुआ बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल यानी एक कप के जैसी स्ट्रक्चर है, ऐसी कप शेप की। उस कप शेप के नीचे जो पाइप जा रहा है वो कोइल्ड हो रहा है, और फिर कोइल्ड होने के बाद उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फाइनली वो जाके सीधा होकर एक लूप बनाता है, उस लूप के जो नीचे आने वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाने वाले को बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये नीचे से ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब आपका एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में खुलता है जो कॉन्वोल्यूटेड टाइप की है, उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और आपका एक ट्यूब्यूल जाकर के खुलता है आपकी कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये एक आपका सिंपल सी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की। इसका वर्किंग हम आगे समझेंगे कैसे काम करता है। एक बार हम देखते हैं बाउमेन कैप्सूल क्या होता है। बाउमेन कैप्सूल एंड दिस इज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज डबल वॉल्ड इन द होलो ऑफ विच इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यहाँ आपको एक खास चीज मिलेगी कि देखिए यहाँ इसके अंदर मान लो एक कप जैसे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऊपर से ये रेड कलर की जो आ रहा है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। फिर ये एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ आती है, यहाँ आकर की ये कैपिलरी का गुच्छा बनाती है, वो कैपिलरी का गुच्छा आपका ग्लोमेरुलस के अंदर फंसा रहता है। इस कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आपका कैपिलरी का गुच्छा फंसा रहेगा। वो जो कैपिलरी का गुच्छा होता है क्यों बना है कैपिलरी, क्योंकि भाई आपको पता है कि कैपिलरी आपकी पोरस होती हैं, आर्टरी आपकी पोरस नहीं होती। अगर कुछ भी ब्लड से निकलेगा तो वो कैपिलरी के लेवल पे ही निकलेगा आगे। तो यहाँ क्या है, कैपिलरी बनी हुई है। तो अब कैपिलरी जब बनी हुई है भैया, उन कैपिलरी से छनेगा भी तो कहाँ छनेगा, यहीं ग्लोमेरुलस के अंदर ही छनने वाला है, बाउमेन कैप्सूल के अंदर ही छनने वाला है। फाइनली जो गुच्छा है ना ब्लड कैपिलरीज का, ये वापस से दोबारा से ब्लड की आर्टरी बनता है जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। ब्लड को लेकर आने वाली एफरेंट, लेकर जाने वाली एफरेंट। तो दो तरह की आर्टरी है, एक तो लेकर आती है कहाँ, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में, उसको कहते हैं एफरेंट आर्टरी। जो लेकर जाती है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टरी। और फिर आपकी जो एफरेंट आर्टरी होती है वो आगे जाती है, और आप देख रहे हैं कि आपके जो लंबा सा ये लूप ऑफ हेनले है इसके चारों तरफ ऐसे 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 लिपटी हुई दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, ये लिपटी हुई दिखाई दे रही है, क्यों ये इसके चारों तरफ लिपटी हुई है, ये ऐसा भी हो सकता था डायरेक्टली चली जाती, ये यहाँ क्यों लगी हुई है, इसका एक मेन फंक्शन है जो हम आगे समझाएंगे आपको क्या ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। दिस इज अ मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज विद एन इनकमिंग एंड आउट गोइंग आर्टेरियोल। तो जो आने वाली आर्टेरियोल होती है वो भी यहीं आती है, जाने वाली यहीं से जाती है। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जो आपने देखा है पीसीटी
लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और ये सब क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इज कंटिन्यूअस विद द बोमन कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल के साथ जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है लंबा ट्यूब जैसा, इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है किडनी फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट फॉर्मिंग यूरिन। तो आपकी किडनी का काम होता है कि जो ब्लड आता है आपके हार्ट से उसको क्या करती है, फिल्टर आउट करती है। फिल्टर किसका करती है, नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड का और कुछ सॉल्ट का, और फालतू पानी हो तो वो भी पानी बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको सही से समझ में आएगा। देखिए हुआ क्या है कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेकर यहाँ पर आती है नीचे, इसके अंदर यहाँ क्या होता है, ये आकर के बहुत सारी ऐसे कैपिलरीज बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऐसे छोटे छोटा, और एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बना लेती है। अब यार ये वापस यहाँ से जब से निकलती है इसके अंदर से, तो इसको कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपकी इफरेंट आर्टेरियोल होती है ना, तो एफरेंट का साइज अगर मैं कहूँ कि ल्यूमेन ऑफ द एफरेंट इतनी है, तो इफरेंट का साइज ये है अंदर कैविटी, यानी जो इफरेंट है उसका ल्यूमेन अंदर से कम होता है जबकि एफरेंट का साइज चौड़ा होता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इफरेंट में जब आएगा ब्लड, भाई ब्लड क्या करेगा, एफरेंट से आएगा और कैपिलरीज में जाएगा, फिर वापस से आएगा, और वापस से आने के बाद वो इफरेंट में जाएगा। इफरेंट में जाएगा तो क्योंकि इफरेंट के ल्यूमेन का साइज कम है, और अगर कम साइज है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना, कम साइज है तो प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो होगा का के जो आपकी कैपिलरीज वाला हिस्सा है यहाँ, यहाँ जो कैपिलरीज हैं वो थोड़ा फैलना शुरू करेंगे। और आपको पता है जैसे ही कैपिलरी फैलेगी, क्योंकि कैपिलरी की जो दीवार होती है वो सिंगल सेल थिक होती है, और जैसे ही कैपिलरी फैलेगी तो उसकी जो पोरस दीवारें हैं ना, उन पोरस दीवारों के अंदर से जो फ्लूड होगा, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो, और वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, सब चीज़ें छन करके नीचे निकलना शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी प्रोटीनें और आरबीसी उसमें से बाहर नहीं निकलती हैं, ब्लड सेल्स बाहर नहीं निकलती हैं, जबकि सॉल्ट, ग्लूकोज और कुछ एसिड कुछ होते हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें, वाटर, ये सब चीज़ें, यूरिया, ये बाहर निकल जाता है, छन जाता है। छन के मनी नीचे आ जाएगा कहाँ, बोमन कैप्सूल में, और ब्लड आपका जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल में आगे, और उसी की वजह से प्रेशर पीछे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इफरेंट आर्टेरियोल की ल्यूमेन का साइज़ क्या है, छोटा है। अब आपका जो फिल्टर है, फिल्ट्रेट हुआ सामान है, वो आपका कहाँ पहुँच चुका है, नीचे यहाँ पहुँच चुका है बोमन कैप्सूल के नीचे यहाँ पर। अब फाइनली वो आपका बोमन कैप्सूल में से नीचे आना शुरू होगा इस ट्यूब में। तो जब वो इस ट्यूब में जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से जाएगा धीरे धीरे। तो होता ये है बच्चों कि यार ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है ना, इसकी जो दीवार अंदर वाली है, वॉल जो है, इसके अंदर विलाइज होती हैं। विलाइज यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसी, उनका काम होता है कि वो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। किस काम के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। यार ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई सारा ग्लूकोज तो यहीं छन गया, और ग्लूकोज जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और सारा ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकल गया, यूरिन में चला जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो करते क्या है, जो काम का सारा सामान है, वाटर, ग्लूकोज और भी चीज़ें, सॉल्ट्स वगैरह, काम की चीज़ें अगर बॉडी को चाहिए होती हैं, अगर एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा है तो चली जाएंगी बाहर, फिर नहीं जाएंगी वापस। अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो बॉडी क्या करती है, यहीं पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो दीवारें हैं, जो इसकी दीवार में जो अंदर विलाइज हैं, जो अंदर कैप विलाइज है, जो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, उनसे क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन के बाद हमने पीछे देखा था कि जो ट्यूब्यूलर नेटवर्क, एक जो इफरेंट आर्टेरियोल हमने पीछे देखा था आकर के एक जाल जैसा इसके चारों तरफ बना रही है यहाँ पर, जो रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो सामान होता है सारा का सारा आपका उनमें चला जाता है, ताकि वो ब्लड में दोबारा चला जाए। पहले बाहर फ्लूड में आएगा, बाहर जो फ्लूड होगा उसमें आएगा, वहाँ से आपकी ब्लड की कैपिलरी, ब्लड की जो आर्टरी है वो उठा लेगी उसको वहाँ से। तो रीअब्जॉर्प्शन का काम यहाँ होता है, यहाँ जाते 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 नीचे भी क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से पानी बाहर निकलता रहता है, और पानी बाहर निकलता रहता है, ताकि सारा पानी बाहर ना जाए। फाइनली जो ट्यूब होती है पूरी लंबी ट्यूब, ये इसी बात के लिए होती है कि ये मेंटेन करे कि भाई आपका जो यूरिन बनने वाला है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, है ना, कितना कंसंट्रेटेड यूरिन होने वाला है। तो यूरिन की कंसंट्रेशन यहीं पर बन जाती है। फिर क्या होगा, आपका यूरिन यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो यहाँ डीसीटी में पहुँच जाता है। डीसीटी के जाने पर क्या होता है कि अगर अभी भी उसमें आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आपकी बॉडी को लग रहा है कि भाई वाटर बहुत ज़्यादा उसके अंदर अभी भी है, तो बॉडी आपकी क्या करती है यार, यहाँ से उसको वापस उठा लेती है। ये बात ध्यान रखना, डीसीटी से वापस फिर भी कंडीशनली उठा लिया जाएगा कि अगर ज़्यादा ही पानी बॉडी से बाहर जा रहा होगा तो उसको उठा लो वापस। फिर क्या होगा, आपका यूरिन कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा,
कलेक्टिंग डक्ट ऐसी बहुत सारी होती हैं नेफ्रॉन की, सारी कलेक्टिंग डक्ट मिल करके जो है आपकी रीनल की पिरामिड है, जो पिरामिड जिसके अंदर हमने नेफ्रॉन बताया था होता है, उसके अंदर जुड़ जाती हैं, फाइनली एक बड़ी डक्ट बनाती हैं और जो यूरिन होता है वो पिरामिड से बाहर आता है और आपकी किडनी में आता है, किडनी से फिर वो बाहर यूरेटर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ठीक है ना बात, ये तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। एक तो प्रोसेस होता है हमारा फिल्ट्रेशन का, तो पहला ही प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, इसको देखते हैं। एंड दिस अकर इन द ग्लोमेरुलस एंड ब्लड प्रेशर हेल्प प्लाज्मा ऑफ द ब्लड टू पास थ्रू द कैपिलरी वॉल। ध्यान रखना कैपिलरी वॉल से ही छनता है। इन द ग्लोमेरुलस इन द प्लाज्मा कंटेन वाटर ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड यूरिया। ये आपसे पूछा जाता है कि जो छनता है उसमें क्या क्या होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड यूरिया। नेक्स्ट है रीअब्सॉर्प्शन द सब्सटेंस कंसीडर्ड नेसेसरी इन द फिल्ट्रेट ट्रेवल बैक इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड टकर इन द रीनल ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल जो होती है भाई, इसका काम होता है रीअब्सॉर्प्शन का, रीअब्सॉर्ब करती है और जो उसके चारों तरफ नेटवर्क होता है ब्लड का उसमें वो सामान पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर की बात है। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ से बाहर से वो चीज़ें क्या करते हैं, यहाँ बाहर वाले एरिया से इसमें डाल दी जाती हैं। मतलब अगर कुछ चीज़ें यहाँ से यूरिन में जाते हुए कुछ डालना है ना, सिक्रीट करना है, तो वो यहाँ से डाल दिया जाएगा, इसकी जो दीवारें होती हैं उनसे इसमें यूरिन में ऐड कर दिया जाएगा। रीअब्सॉर्प्शन भी होगा और कुछ डालना हो तो यहाँ से उठा करके उसमें डाल भी देते हैं, तो ये सिक्रीशन वाला पार्ट होता है। जैसे कि दिस इज द पैसेज ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस आउट ऑफ द कैपिलरी डायरेक्टली इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। डायरेक्टली अगर कुछ चीज़ें रीनल ट्यूब्यूल में डालनी होती है तो वो सिक्रीशन कहलाता है। एंड दिस इज एन एडिशनल वे ऑफ गेटिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द यूरिन। तो ये भी एक तरीका है कि कुछ वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए जो यहाँ से नहीं आए हैं ग्लोमेरुलस से। समझ आया प्रोसेस आपको? तो ये यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट हमारा यूरिन क्या होता है कि ऑन द एवरेज ऑफ द यूरिन आउटपुट इन हेल्दी पर्सन इज 1 to 8 liters पर डे। यूरिन कंटेन अबाउट 95% वाटर एंड 5% नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, मोस्टली 1 to 1.8 liters है, इसको 1 to 1.8 कर लेना। तो यूरिन कंटेन अबाउट 95% ऑफ वाटर एंड 5% नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, मोस्टली यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और ये वो आप देख सकते हैं कि जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है ये ब्लू और रेड, इसका काम होता है कि जो चीज़ें रीअब्सॉर्ब हुई हैं उनको ये वापस से ब्लड स्ट्रीम में डाल दे। ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है रीनल फेलियर एंड डायलिसिस, यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई, ये आप ध्यान से समझ लिए, एनसीईआरटी में दिया गया है। होता ये है कि अगर आपकी किडनी फिल्टर करना बंद कर देती है तो ये होगा ये कि भाई आपका जो ब्लड है उसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाएगी। भाई अगर आपकी किडनी नहीं छान रही है तो आपके ब्लड में क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी और आपकी डेथ हो जाएगी। तो करते क्या है कि आपकी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई यहाँ देखिए लाइन फ्रॉम द आर्टरी टू पंप, यानी यहाँ पर एक पंप लगा है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर ये होता है कि एक मेम्ब्रेन का बना हुआ पाइप होते हैं जो कि मेम्ब्रेन सेलोफेन की बनी होती है। उसमें होता ये है कि बाहर की जो फ्लूड होता है जिसमें वो मेम्ब्रेन डूबी रहती है, उस फ्लूड के अंदर यूरिया को छोड़कर बाकी सेम कंसंट्रेशन का फ्लूड होता है जो कि ब्लड में होता है यूरिया को छोड़कर। तो होता ये है कि जब वो फ्लूड उस मेम्ब्रेन में से होकर जाता है तो यूरिया उसमें से बाहर निकल आता है, यानी फ्लूड में आ जाता है और आपके ब्लड का नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट सही से बाहर निकल जाता है और ब्लड आपका दोबारा से सही हो जाता है। फाइनली उसको दोबारा आपकी बॉडी में वेंस में डाल देते हैं, निकाल रहे हैं आर्टरी से और फिर वेन में डाल देते हैं। ये बात आप ध्यान से समझ सकते हैं, देख लीजिए डायग्राम में भी कि करते क्या है, ब्लड आ रहा है फिर उसको पंप से यहाँ पर ऐड कर देते हैं पंप में, और पंप आपका प्रेशर से उसको कहाँ भेजता है, इसके अंदर भेजता है डायलाइजिंग यूनिट के। यहाँ एक डायलाइजेबल फ्लूड भरा होता है, फ्लूड में यूरिया को छोड़कर बाकी वही कंसंट्रेशन होती है जो आपके ब्लड की होती है, जिससे आपके ब्लड में से बाकी चीज़ें बाहर ना निकले, यूरिया केवल बाहर निकल जाए और यूरिया उसमें से निकल के बाहर आ जाता है, उसके बाद आपके ब्लड को वापस से बॉडी में डाल दिया जाता है। तो एक बार ये थ्योरी एनसीईआरटी की है, यहाँ पर दी गई है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज, दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। भाई किडनी खराब होगी तो पॉइजनस वेस्ट बॉडी में बढ़ेंगी, विच कैन इवन लीड टू डेथ इन केस ऑफ किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, एन आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब विद ए सेमी परमेबल लाइनिंग, यानी जो मेम्ब्रेन होती है सेलोफेन की बनी होती है, उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल,
सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूड एंड दिस फ्लूड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, जैसा ब्लड का प्रेशर होता है ऑस्मोटिक वैसे उसका बाहर होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट, तो भैया उसमें केवल नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता, यूरिया नहीं होता, बाकी सब होता है, एंड द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब ड्यूरिंग दिस पैसेज, द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इन टू डायलाइजिंग फ्लूड बाई डिफ्यूजन एंड द प्यूरिफाइड ब्लड इज पाउंड बैक इन टू द पेशेंट, तो बाद में ब्लड प्यूरिफाई होता है उसको आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है वेन्स के थ्रू, एंड दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, तो यहाँ रीअब्जॉर्प्शन का तरीका नहीं है, अगर बाहर ज़्यादा कुछ निकल जाए तो वापस नहीं जाएगा, नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, तो आपको पता ही है 180 लीटर तक बनता है जिसमें से बाकी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती है और 1.8 लीटर तक यूरिन बनता है, द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर ऑफ डे बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब, तो देखिए यहाँ पर आकर के इन्होंने रीअब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया है एनसीईआरटी में, इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ आपको रीअब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा रीअब्जॉर्प्शन भी मेन स्टेप होता है किसका, यूरिन फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो जैसा कि आप जानते हैं भाई प्लांट के पास एक्सक्रीशन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता एक्सक्रीशन करने के लिए, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो एक बार ये बहुत आसान सी बात है पहले आप पढ़ ही चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट टू वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि जब आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उस टाइम क्या होता है आपके प्लांट ऑक्सीजन बनाता है और वो ऑक्सीजन बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, ये बिल्कुल आपको पता ही है प्लांट की, क्योंकि फालतू ऑक्सीजन का प्लांट करेगा क्या, उसको बाहर निकाल देते हैं, एंड वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, ये पता ही है हमको, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसपायरेशन, तो फालतू का जो पानी होता है प्लांट के पास उसको ट्रांसपायरेशन से बाहर निकाल देता है, फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स ऑफ लीव्स, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स, तो कुछ प्लांट जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी सेल की जो वैक्यूल होती है उसमें स्टोर कर लेते हैं आराम से, एंड वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन द लीव दैट फॉल ऑफ, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन रेजिन गम्स, जो प्लांट में रेजिन गम होते हैं दे आर वेस्ट प्रोडक्ट्स सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, उनको आप प्लांट सेव कर लेता है स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ सेव करता है, तो ध्यान रखना ओल्ड जाइलम में, जो ओल्ड जाइलम पानी को तो ट्रांसपोर्ट नहीं करती है बस इनका ही काम करती है कि उसमें कुछ चीज़ें रेजिन गम टैनिन वगैरह भर जाते हैं, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सोयल अराउंड देम, तो कुछ प्लांट क्या करते हैं अपने चारों तरफ जो रूट्स होते हैं उनमें से कुछ वेस्ट को वहाँ निकालते रहते हैं, तो प्लांट के बारे में ज़्यादा एक्सक्रीशन के बारे में कुछ है नहीं, ह्यूमन बीइंग का आपको डिस्कस करने से समझ में आ गया होगा, तो आप क्या करिएगा एनसीईआरटी की रीडिंग करिएगा, तो ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, यहाँ आपका लाइव प्रोसेसिस चैप्टर समाप्त होता है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, थैंक यू सो मच।